The problem of Kashmir begins with this unwillingness of the Indian government to let the Indian public know the truth about Kashmir. And that is why we went to Kashmir, because we wanted to see the situation for ourselves and share our observations with the Indian public. Absolutely not normal. जो भी कह रहे हैं मीडिया के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी all is well, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि all is well की जगह शायद all is hell कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत कष्टकर स्थिति है, बहुत. कि जेल में जाने के बाद कैसा महसूस होता है, बिल्कुल वही पूरे कश्मीर में हमको नजर आया. हम लोगों को लगा कि पूरा कश्मीर बंद है, उसमें चंद एटीएम और चंद दवाई की दुकानें और कुछ अस्पताल छोड़ करके कोई भी चीज खुला हुआ नहीं था. यहाँ तक कि ईद के दिन भी रास्ते नहीं खुले थे. तो ईद के दिन जो लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलसी का मतलब है कि लोग ईद का नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो भाई बहुत लो बार है ना. ये तो भाई लोग अपने भगवान को भी याद ना कर पाए तब तो क्या बात है, ये तो कोई चीज़ नहीं है. मामला था कि ईद का कोई जश्न का माहौल बिल्कुल नहीं था. छोटे छोटे बच्चों के अलावा कोई ईद मना नहीं रहा था. द होल प्लेस वॉज डेसोलेट, क्वाइट, साइलेंस्ड, केज्ड. लोग बेबस नजर आ रहे थे, लोग ह्यूमिलिएटेड नजर आ रहे थे और लोग गुस्से में भी नजर आ रहे थे. What we saw and heard in Kashmir, across Kashmir, in the last few days is completely different from the official narrative that all is well. Is that the purpose of this military presence is not primarily to look for terrorists or to defend the border against Pakistan. The main purpose is to control the local population and to prevent any protest, however peaceful they may be. You can be certain that if you try to do as much as a candlelight vigil in any place in Srinagar, or you try to stand in the street with a simple placard saying reinstate 370, you will be packed off immediately, and God knows what will happen to you after that. भयानक डर भी है. लोग हमसे कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थे. हमारा नाम मत लीजिएगा कहीं, फोटो मत दिखाइएगा कहीं. गांव के अंदर में पहुंचे तो एक गांव में बताया गया कि बच्चों के मोबाइल चेक हो जाते हैं और देखती है मिलिट्री कि क्या क्या बच्चों ने देखा. कोई प्राइवेसी नहीं है, आपके पूरे कपड़े उतार के वो चेक कर सकते हैं. लोग गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं, बहुत अपसेट हैं. कह रहे हैं कि 370 जो रिश्ता था भारत के साथ, उसको तो भारत ने खुद ख़त्म कर दिया. संविधान, अपने संविधान को तोड़ दिया और हमें एक तरह से पूरी तरह से ह्यूमिलिएट किया. मगर उनका कहना था कि हमारी कश्मीरियत, जिसके अंदर में मुसलमान, सिख और हिंदू हैं, उसके ऊपर में हमला है. But at the same time, they extended great warmth and hospitality to us. हम लोग जहाँ जहाँ गए, हम लोगों को लोग चाय तो हर जगह पूछे, खाना हर जगह पूछे, ना सुनने को तैयार नहीं थे. जो दुकानें चली नहीं पा रही है, कुछ नहीं बिक रहा, लेकिन हम आए हैं तो हमारे बैग में बिस्किट, जूस वगैरह बिना दिए कहीं छोड़ने को तैयार नहीं थे. So there was immense warmth and hospitality wherever we went. हमने, हमारी सरकार ने उनको इस कगार पर लाकर खड़ा किया है. उसकी जिम्मेदार हिंदुस्तान की सरकार है. उनका गुस्सा इस बात पर तो था कि 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को एब्रोगेट किया गया, लेकिन इस बात पर भी था कि कश्मीरियों को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, क्या हम गुलाम हैं, क्या हम स्लेव्स हैं, कि जो मर्जी आएगी हम पर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार थोप देगी. हर जगह ये बात वो लोग कह रहे हैं. We spoke to hundreds of people. उसमें हमको सिर्फ एक व्यक्ति मिला जो खुश है इस निर्णय से. वी कुड ओनली मीट वन पर्सन हु वाज हैप्पी एंड दैट वाज द बीजेपी स्पोक्स पर्सन फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ही वाज अ पर्सन हु स्पोक टू अस एंड हु आल्सो थ्रेटन्ड अस एंड सो ऑन. वी हैड अ इनिशियली कॉर्डियल डिस्कशन इन श्रीनगर,
but it ended rather badly when he threatened us not to engage in international activity. Amit Shah ji ne kaha, Farooq Abdullah ko main kaise lata? Ye bhi jhoot bola waise. Main kaise lata? Kya kanpati pe bandook rakh ke lata? To hum unse poochte hain ki aapne to pure Kashmir ke kanpati pe bandook rakh rakhi hai. Pure Kashmir ke chappe chappe pe military aur army aur paramilitary khadi hai. ladkiyon ka ghar se bahar nikalna dubar hai. निडर लड़कियां हैं वहां की, निडर लड़कियां हैं जो कहती हैं कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए इस पैरामिलिट्री की और इस आर्मी की जरूरत नहीं है, जो हमारे भाइयों को और हमारे घर के लड़कों को आधी रात को उठा के लेके चली जाती है और FIR भी नहीं बनाती. हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं. हाँ, भुगतती हैं वो. हाँ, उनके ऊपर जुल्म होता है और ये भी कहूंगी कि सेक्सुअल जुल्म भी होता है. Kashmiri girls and women are extremely articulate and assertive, and they told us that we really don't need rescuing from people who think ki we are brides to be looted from Kashmir. Okay, so they don't want the likes of Khattar saying ki shaadi kar sakte hain Kashmiri ladkiyon ko. Kehne Kashmiri ladkiyon se pucha hai kya ki hum shaadi karna chahte hain ki nahi. So they are not interested. They said we fight our own battles. Of course there's patriarchy everywhere, but they are fighting their own battles and they really don't need a rescue and liberation, and they don't need oppressors to be claiming to liberate them. They were very clear about that. घर में औरतें भी असुरक्षित हैं क्योंकि रात को 11-12 बजे पुलिस नई मिलिट्री आती है और धड़धड़ाती आती है और फिर वो किसको कहाँ ले जाती है, कैसे करती है. महिलाएं बोल नहीं सकती कि क्या होता है, क्योंकि वो जरूर हर गांव में बताया कि दूसरे गांव में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, मगर दुख के बाद वो ये कह नहीं पाए कि इस गांव में या हमारे घर में भी हुआ. With a population of about 7 million in the Kashmir Valley, that's almost one military or paramilitary person for 10 local residents. This is unimaginable. I think they're angriest at the fact that they are locked up in their homes. They can't even visit their neighbors on the day of Eid. They cannot visit a neighboring village. They can't speak to their family. They can't visit their family. They can't do anything. And at the same time, they are having to watch Indian television channels, national television channels, I mean not local Kashmiri channels, but national television channels, which are saying everything is fine and everyone is happy and everyone is celebrating and all are just fine. And that is even more, it's kind of jalepe namak chadakna. It is really adding insult to injury, and people are I think seriously upset about that. वहाँ पर सबने हमारा हाथ पकड़ पकड़ के अपनी बात कहने की कोशिश की है, चाहे वो बूढ़ी औरत हो, चाहे वो एक कश्मीरी बूढ़ी औरत मिलती है और वो कहती है कि मुझे नहीं सुना, 2000 से मेरा बच्चे को ले गए थे कि पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, आज तक मेरा बच्चा वापस नहीं आया. हम जाते हैं तो एक छोटा बच्चा ईद वाले दिन मिलता है और थोड़ा कुनमुनाया सा है और वो कहता है कि 4 दिन था, क्या हुआ, मारा था. क्यों, मैं नमाज पढ़ने गया था, मुझे ले गए, कह रहे थे कि तूने पत्थर मारे हैं, तू अकेला था नहीं, 12-15 बच्चे और भी थे. तो इसका फोटो मत लेना, डरते हैं. जुल्म, ज्यादती, धोखा, बर्बादी, बंदूक की खामोशी, कब्रिस्तान की खामोशी, ये शब्द हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार सुने. हमको ईद वाले दिन एक 11-12 साल का बच्चा मिलता है जो बताता है कि वो नमाज पढ़ने गया और उसको उठा लिया गया. उन्होंने ट्रिपल तलाक से शुरुआत की, फिर कश्मीर से शुरुआत की, अभी राम मंदिर पे आ गए हैं, अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नहीं छोड़ने वाले उनके रिजर्वेशन को. अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को वो पूरी तौर से लागू करने जा रहे हैं. साथियों, इस चीज को हमें गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए. जिस विकास की बात मोदी जी ने कही है, हमको लगता है पूरी साल भर की आर्थिक इकोनॉमिक को तोड़ा है, क्योंकि ये वो पूरा समय था जब पर्यटन जोर शोर पे था, सेब के बगान लदे पड़े हुए हैं, वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के पर्यटनों से जो आमदनी होनी थी वो खत्म हो गई. मगर कश्मीर के अंदर में, श्रीनगर के अंदर में मस्जिदें बंद थी, अलग अलग छोटे गांव के अंदर में मिट्टी ने धमकाया कि तुम्हारी अजान से हम डिस्टर्ब होते हैं, आपको अजान लाउड स्पीकर पे नहीं देनी होगी. लोगों ने गली और घरों में पड़ी, जिसको कि
वहाँ के गवर्नर साहब ने कहा कि लोगों ने गलियों घरों तक में नमाजें पढ़ी, वो इसने पढ़ी क्योंकि उनको ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इस समय पूरे कश्मीर के अंदर में गांव के स्तर के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन सबको भी गिरफ्तार करके रखा गया है, अलग अलग तरह की जेलों में अलग अलग स्टेटस के अनुसार में रखा गया है। अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़े होटलों में, तो गाँव के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको ब्लॉक जैसे या स्कूल में या किसी ऐसी जगह बंद करके रखा गया। अगर हम एक गांव से जाके दूसरे गांव में बताते थे तो हमको लगता था हम रेडियो हो गए, क्योंकि उन गांव के लोगों को नहीं मालूम कि बाकी की जगह पे क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम कि भारत में क्या हो रहा है। तो मीडिया को खुद इस समय में कैद करके रखा हुआ है, ये कैद टूटनी चाहिए, ये आवाजें निकलनी चाहिए, वो जो कहना चाहते हैं उनको कहने देना चाहिए। और हमें फिर बाद में पता चला कि फारूक अब्दुल्ला के साथ जो हुआ कि प्रेस से बात कर पाए थे वो पहले दिन, तो क्या हुआ था, उनके यहाँ जितनी पुलिस तैनात थी सारी की सारी पुलिस जो उनके यहाँ तैनात थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसी को अच्छे हालात कहते हैं? होम मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। There is a police officer, I'll not identify anything about them so that it's not possible to get at them, but they were using a phone, right? So one of us said, oh wow, your phone is working, no one else's phone is working. And that police officer, IPS officer, said, Tanashahi ke faile hai, Tanashahi hai na. We did not find, as Viman Bhai told us, any signs of communal polarization at the ground level. But they are pushing people into that. Kashmir ki janta, jo Muslim bhi thi, Hindu bhi thi, wo Kashmiriyat sochti thi ki wo Bharat mein jyada surakshit rahega. जो कि सेक्युलर है, जिसमें फेडरलिज्म है और वहां पर ऑटोनॉमी स्वायत्तता की जगह रहे, इसलिए वो आए और वो भरोसा लगातार टूटता गया और अब तो पूरी तरह से उस पर हमला होकर के उस पर थूक दिया है, सरकार ने फेंक दिया। एक बात, दूसरी चीज ये कि अगर आप एक मिनट के लिए सोचिए, जो मैमुना जी ने भी कहा कि कल को अगर कोई उठ करके बिहार को रातों रात अगर सरकार घोषित कर दे कि चलो भाई बिहार कल से राज्य नहीं रहा, from tomorrow Tamil Nadu is not a state, we'll call it Hindustan, or we'll turn it into two little union territories, go to char two union territories mein magad mein mithila mein aur bhojpur mein aur kya kya mein hum baant denge bihar ko, to wahan ki public kya karegi, ladegi nahi, wahan ki public virodh karegi, vidroh ho jayega wahan pe, sab kahenge ki ye tanashahi hai, to jo cheez bihar mein tanashahi hai, jo Tamil Nadu mein tanashahi hai, wo Kashmir mein tanashahi kyon nahi hai? कश्मीर के लोग वो हमें जो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कश्मीर के लोग अलग है, भाई वहाँ भी इंसान है और वहाँ की हिस्ट्री और थोड़ा कुछ जानने की हम कोशिश करें, इतना ही मुझे कहना।